और अब एक खास पेशकश, क्या आप जानते हैं कि आप और हम हर दिन जो नमक और चीनी खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। हम जाने अनजाने हर दिन प्लास्टिक के कण अपने शरीर में डाल रहे हैं। एनवायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टॉक्सिक्स लिंक की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। और भारतीय बाजार में आपको बता दें, बिकने वाले लगभग सभी ब्रांड के जो नमक हैं और चीनी हैं उसमें प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पाए गए हैं। तो आपको पूरी डिटेल बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है। टॉक्सिक्स लिंक की ये रिपोर्ट जो है, जिसमें खुलासा हुआ है इस बात का कि नमक के 10 और चीनी के 5 ब्रांड पर ये पूरी रिसर्च हुई है। इसमें आयोडीन युक्त नमक में सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, यानी छोटे छोटे कण प्लास्टिक के पाए गए। नमक और चीनी में प्लास्टिक के महीन कण मिले हैं। लगभग सभी ब्रांड के नमक और चीनी में ये माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। और इसकी मात्रा की बात करें अगर माइक्रोप्लास्टिक की, तो 0.1 mm से लेकर 5 mm तक के माइक्रोप्लास्टिक इसके अंदर मिले हैं। और इसमें बहुरंगी पतले रेशे और झिल्ली के रूप में ये मौजूद पाए गए हैं। आपको ये भी बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जाने से कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, वो भी हम आपको एक ग्राफिक्स के ज़रिए बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक हानिकारक केमिकल छोड़ती है और ये हवा और पानी खाने के ज़रिए शरीर में प्रवेश करता है। माइक्रोप्लास्टिक इसके सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रजनन संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ फेफड़ों में सूजन, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ भी हो सकती है। और ये माइक्रोप्लास्टिक जो है स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उससे लग रहा है कि हर इंसान के शरीर में जो हमारे देश में रह रहा है वो हर दिन माइक्रोप्लास्टिक उसके शरीर में जा रहा है, क्योंकि चाहे चीनी हो, नमक हो, सेवन तो हर कोई उसका करता ही है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जो खाने हम खा रहे हैं, उन सबके द्वारा ये माइक्रोप्लास्टिक शरीर के अंदर जा रहा है। देखिए इसकी सूक्ष्मता को अगर हम समझें तो जो हमारा बाल होता है वो भी इस माइक्रोप्लास्टिक से लगभग 70 से 100% ज्यादा बड़ा होता है। ये इतना सूक्ष्म है जितना सूक्ष्म की वायरस और बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु होते हैं। तो ये बहुत आसानी से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है खाने के द्वारा। यहाँ तक कि हम जो सांस लेते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, वहां पर एक पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि जब हम इनका रिफाइनमेंट करते हैं, जब इनकी प्यूरिफिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है, तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं अगर इनको अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो हम माइक्रोप्लास्टिक्स जो है इन खाने की चीजों में कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेवजह हमारे शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें तो देखिए, अब रिसर्च यहां तक बोलती है कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं ये नवजात शिशु के अंदर भी दिख रहे हैं, यानी कि गर्भवती महिला के अंदर इतने माइक्रोप्लास्टिक्स हैं आज की तारीख में कि वो नवजात शिशु में भी मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये भी समझिए कि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हमारा पेट है, हमारे किडनी, लिवर, इन सब में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। और इसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां हम लोगों में देख रहे हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डीएनए चेंज की बात हो, चाहे छोटी छोटी बीमारियों की हम बात करें कि सांस की तकलीफ होना या पेट खराब होना या हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका डिसरप्शन होना, जिसकी वजह से जो हमारे हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर वो सही मात्रा में रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो ये जो हम पर्सनल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये जो हम तरह तरह का खाना है जिसके द्वारा माइक्रोप्लास्टिक शरीर के अंदर जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जहां हम बात करते हैं कि अब नौजवानों में भी कैंसर दिखने लग गया है, अब कम उम्र में कैंसर की तादाद बढ़ती जा रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये माइक्रोप्लास्टिक भी है। ये जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये कूड़ा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जब ये एनवायरमेंट में होते हैं या बाहर होते हैं तो जितने भी पेस्टिसाइड्स होंगे, तरह तरह के हैवी मेटल्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं, ये उनको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सोचिए जब ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो उनका क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता होगा। जी डॉक्टर, तो यही जानना चाह रहे हैं, आपने जैसा कि बताया
खाने के माध्यम से, तमाम प्रोडक्ट्स यूज करने के माध्यम से और हवा के माध्यम से भी हमारे शरीर में ये एंटर कर रहा है माइक्रोप्लास्टिक, और कितना खतरनाक है, कैंसर का आपने जिक्र किया। तो आप एक डॉक्टर हैं, एक आम इंसान को क्या सलाह देंगे, क्योंकि अगर गर्भवती महिलाएं, उसमें शिशु जो पल रहा है, उस तक में अगर प्लास्टिक पहुंच रहा है तो बेहद खतरनाक, बेहद चिंताजनक ये बात है। आप क्या सलाह देंगी, क्या करना चाहिए? देखिए, पर्सनल लेवल पर बहुत कम चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीजों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिन चीजों को, चाहे हम स्किन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, चाहे हम खाने की चीजें यूज कर रहे हैं, उन सब में पहले से माइक्रोप्लास्टिक है। लेकिन दो तीन चीजें हम एक इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं, जैसे कि पानी अच्छी मात्रा में पीना, क्योंकि पानी जो होता है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, उससे हमारा लिवर, किडनी, जो कि हमारे नॉर्मल डिटॉक्स प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, उनको, उनकी जो सक्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो एक तो पानी अच्छी मात्रा में हम पी सकते हैं, दूसरा विटामिन सी का सेवन जो है हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो ताजे फल सब्जियां, अगर इन चीजों का हम सेवन ज्यादा करें तो हमारी बॉडी को एक ताकत मिलती है अंदर से, इस तरह के जो माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में खराब तत्व अंदर जा रहे हैं उनसे लड़ने की, उनको बाहर निकालने की। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम एक लेवल पर कर सकते हैं। वहीं दूसरा हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि हम प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पिए, हम घर में भी जो बर्तन वगैरह ज्यादा से ज्यादा यूज करें वो हम वुडन, स्टील, ग्लास, इन चीजों की तरफ अगर जाएं तो वो भी एक तरीका है जिससे हम थोड़ा प्लास्टिक का प्रयोग कम कर सकते हैं। वहीं जी दूसरा डिस्पोजल सही फॉर्म में करना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं, प्लास्टिक्स फेंक देते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे सॉइल में मिल जाता है, हमारे पानी में मिल जाता है। तो अब हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है, जो सब्जियां हम उगा रहे हैं उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच रहा है। तो जी ये एक जो हर तरह से माइक्रोप्लास्टिक जो शरीर में पहुंच रहा है उसको कंट्रोल करने के कुछ रास्ते जो हैं वो हमारे हाथ में भी हैं। तो अगर जी हम भी इस पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन में अगर कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे घूम के हमारे शरीर के अंदर ही पहुंचेगा। बिल्कुल इसलिए डॉक्टर यहाँ सविता, भी आपने कई स्टेप्स जो बताए, बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की हैं कि वो अपने घर में ही जो आसपास जो चीजें हैं छोटी मोटी, उसको किस तरीके से ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक के सेवन को कम से कम यहाँ पर किया जा सकता है। डॉक्टर सविता, यहाँ पर आपने कैंसर का जिक्र किया, आजकल हम देख रहे हैं यंग एज में फर्टिलिटी इश्यूज भी हो रहे हैं, और किस किस तरह की बीमारियां इस माइक्रोप्लास्टिक के जरिए देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, अब ये भी देखा जा रहा है कि पुरुषों में जो सीमन है उस तक में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये प्रजनन की पूरी प्रक्रिया है वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, और इस वजह से बच्चों में जो है आगे चलकर जन्मजात परेशानियां होने की संभावनाएं भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक हर तरह से वहां तक पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। दूसरा, देखिए जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, यानी कि एक तरह की झिल्ली होती है जो हमारे मस्तिष्क और खून के बीच में होती है, जो चीजों को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक जो है इसको भी बहुत आसानी से पार करके मस्तिष्क के अंदर पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इसका जो साइज है वो इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे शरीर के किसी अंग को नहीं छोड़ रहा है, यहाँ तक कि हमारे त्वचा के जो सेल्स हैं उनसे भी छोटा है। तो हम जो स्किन प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, तरह तरह की चीजें यूज कर रहे हैं, वहां से भी प्लास्टिक शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो जी ये तरह तरह की जो बीमारियां आज हो रही हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हम देखते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, सांस लेने की दिक्कतें होना, पेट खराब होना, पाचन शक्ति खराब होना, तो ये सब बहुत सारी चीजें जो है माइक्रोप्लास्टिक की वजह से हो रही हैं। जी इसलिए जो जरूरी कदम हम अपने तौर पर उठा सकते हैं वो हम जरूर उठाएं, साथ ही प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना होगा, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, कि जो खाने पीने की चीजें हैं, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में जो प्लास्टिक की मात्रा आ रही है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, कहाँ टेस्टिंग करने की जरूरत है, पाबंदियां लगाने की जरूरत है, ताकि ये चीजें जो है आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे, और बिल्कुल वही पर्यावरण को शुद्ध रखना ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये एक और आपने अहम पॉइंट बताया डॉक्टर स्वाति, कि ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है ये प्लास्टिक। बिल्कुल, देखिए अब ह्यूमन चेन जिसको हम बोलते हैं या फूड चेन जिसे हम बोलते हैं, वहां तक प्लास्टिक पहुंच चुका है। अगर आप ओशंस को इस वक्त देखें तो उनमें जितनी भी मछलियां और जितने तरह तरह के जीव जंतु पानी में रहते हैं उन सब तक प्लास्टिक पहुंच चुका है, और जब उनका सेवन हम करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। वहीं सब्जियों और फलों की भी बात अगर करें तो ये भी अछूते नहीं रह गए हैं माइक्रो प्लास्टिक से। तो जी ऐसी स्थिति में हम जो भी चीजें खा रहे हैं आज की तारीख में, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है कि क्या हम सही वास्तविक चीजों का सेवन कर रहे हैं या वहां से भी माइक्रोप्लास्टिक हम तक पहुंच रही है। जी तो ये बड़ा इश्यू है कि
यहाँ तक कि जैसे जो हमारे जो फसल उगा रहे हैं, जो हमारे किसान हैं, वहां पर भी ये जागरूकता पहुंचाने की जरूरत है कि किस तरह से प्लास्टिक्स का प्रयोग कम से कम किया जाए। उधर इंडस्ट्रीज में भी जहाँ रिफाइनमेंट होता है, पैकेजिंग होता है, वहां भी इन बातों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्लास्टिक्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग नहीं हो। तो जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके कई सारे पहलू हैं जिन पर काम होना बहुत जरूरी है। कई पहलुओं पर एक साथ काम करने की और गंभीरता से इस पर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट, हमारे साथ थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए।